ओ बाबा जी मेट्रो में साउथ सिटी में थोड़ा खड़ा होगा कि तहसीलदार जो मरीन है उन्होंने संत समाज के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर लिया था जो कि आरोप है संत समाज की तरफ से नहीं बनाने दिया जाएगा। दो चार लोग राशि पाओ हमारे चलाना आज क्या बहुत कुछ मारा था आप जाओगे तो गिरी चलिए मेरा नेटवर्क खुल गया अवम मंदार माला कलिकाल कुछ हो यार भैया क्या कर रहे हैं यार। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम श्री अखंड नंद बोधाय शोक संताप हारिणे सच्चिदानंद स्वरूपाय शंकराय नमो नमः नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव जी महाराज जी का इतना टेंशन नहीं मतलब कि समाधि को किसी तरह सेव करने चाहे भाई सर के ऊपर जैसे भी ऐसा कर सकते हैं कि पूरा ऐसा का ऐसा नीचे से दिक्कत नहीं होता कुछ नहीं कई कई जगह पर आजकल फिल्मी जो लगते हैं ना वो भी बैठे तो पूरा नीचे से दोनों तरफ से खोलते हैं जहाँ तक समाधि है 10 फुट और 20 फुट नीचे जाएंगे साइड से बिल्कुल वैसे की वैसे उठा देंगे और जो जगह आप डिफेंड करेंगे वहाँ पे दोबारा नहीं बनाएंगे प्रॉपर जैसे समाधि का तो विधान नहीं है यहाँ से हटाने का हो सकता है समाधि ऊपर फैलाए वो घर बनाए अच्छा लगेगा समाधि के ऊपर से जैसे जा रहा है कई जगह जो है फूल के नीचे भी मंदिर बने हैं वो बड़ा खतरनाक लगेगा बल्कि कोई जा भी नहीं पाएगा दोनों तरफ से दीवार आ जाएगी आप समझ रहे फूल जब बनेगा ना कर से कोई दिक्कत नहीं है बात विषय की ये है कि इसके ऊपर से अगर जाती है इसके ऊपर से अगर सड़क जाती है दोनों साइड से सड़क बंद करेंगे कोई ज्यादा कैसे रहेगी अब ऐसा ही महाराज जी अगर कोई मूर्ति हो ना इसका हमें प्राचीर करके हम आगे पीछे ले जा सकते हैं जैसे हनुमान जी की मूर्ति अब हनुमान जी की मूर्ति वो सामने वो हम आगे वहाँ के अगर जैसे बारिश आई ना तो पता नहीं आपने कोई आपका साथ देना हनुमान जी ने वो उस दिन वो गिर गई पूरा मकान अपने आप गिर गया वो खुद ही हिल गए वहाँ से अब हमने क्या किया वो प्राचीर करके जहाँ पे हमने रखना होगा ये समाधि का विषय ये रहता है कि आज से 60-70 साल पहले जो हुआ समझ ये होगा वो शरीर अंदर है हम एक बिल्कुल तरीका निकालें कि इसको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस इसको ही ना डिस्टर्ब ये डिस्टर्ब मेन मकसद तो ये है ना कि समाधि समाधि डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और समाधि की जो श्रद्धा है वो बनी रहे तो हमको इसका तरीका मैं ऐसा निकालता हूँ मैं इंजीनियर से मेरे को बात करने दो कि हम वहाँ बैठते हैं अरे कोई बात नहीं जिहड़ा पिछले 5-10 दिन तो गतिरोध चला दा एक डिमांड जिहड़ी है संत समाज की और जम्मू कश्मीर साधु धर्म स्थान सुरक्षणी समिति की बैठक के अंदर जिहड़ा निर्णय होया कि डिवेलपमेंट के आगे जो भी कुछ आए उसके लिए नुशावर करना हमारा फर्ज बनता है कि डिवेलपमेंट हो जाए बड़े मंदिर आए दुकानें आई और उसके लिए हमने जैसे सरकार के साथ बैठ के व्यवस्था देखी शन रोड़ियां के अंदर अलग व्यवस्था यह है कि समाधि जो हमारे पूर्वज संत हैं उनकी समाधि जो है बीच में आ रही है और सब कुछ हो सकता है लेकिन समाधि के लिए
हमें थोड़ा सा दिक्कत आती है कि हम इसको आगे पीछे करें। तो इसी को लेकर के संतों का एक मत से फैसला हुआ था कि हम ये बात जो है ऐसी जगह बैठ के करें कि सरकार जिस भाषा में समझ सके। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहां के डिप्टी कमिश्नर साहब का जिन्होंने पहल की कि वो हालात ना बने। धन्यवाद मैं यहां के डिवकाम साहब का भी दूंगा जिन्होंने कहा कि हम बैठ के बात कर सकते हैं। तो उसकी जो पहला चरण था वो हमारी एसडीएम डॉक्टर साहब जहां बैठी हैं आई, शायद हमारे से भी कुछ कहा गया, इनसे भी कुछ कहा गया, आपस में बातें हुई। लेकिन हमने कहा था कि जब तक कोई जिला का जो बड़े अधिकारी हमारे साथ बैठते हैं तो उनके साथ बैठ के हम बात करेंगे। विषय अब ये है कि जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब कि आस्था का तो है ही है, लेकिन संतों के प्रति जो उनका शरीर शांत होने के बाद जो समाधि दी जाती है वह पूरा समाज आता है। और समाधि वो वाली भी नहीं है कि कोई लटा के समाधि बनी हुई है, ये समाधि गुफा बनती है। उसका मुख किस तरफ है, कैसे रखा गया, उत्तर की तरफ उसका मुख होगा। और उसकी पूरी व्यवस्था जो है, पूरा संत समाज जो है वो चीनी मिट्टी दे करके रखता है कि इसमें हमारा शरीर है। तो बहुत ज्यादा श्रद्धा का विषय है। ऐसा कोई और होता तो हम कह सकते हैं कि इसको हम आगे पीछे करें, अगर मूर्ति है तो उसका प्राचीन करके हम तो दूसरी जगह कर ले, लेकिन ये थोड़ा विषय अलग है। तो मेरा मानना और भी है कि ये मुझे आपने अगर मौका दिया है कि मैं अपनी बात रखूं तो ये मेरा मत अकेले का नहीं है, समाज का है सारा। लेकिन मुझे थोड़ा फख्र भी है कि मैं जो बोलता हूँ समाज के अगर मान लेता है, तो ये थोड़ा सा मेरी पता नहीं आज माने नहीं माने ये बात की बात है। लेकिन हम चार पांच लोग आपके साथ बैठ जाएंगे, उसमें भी देख लेंगे। समाधि का जहां तक था मत था, जनाब इतने लोग आए कि जो चाहते थे कि ये बात जो है ये भगवा चोला सड़क पे आए, सड़क पे आ जाना चाहिए। और माननीय भागवत जी भी आ रहे हैं और यहां भी केंद्र में भी आपका सरकार है। और यहां पे जो है हमने कहा कि हमें फख्र होता है जब राजभवन से मनोज सिन्हा जी निकलते तो लगता है कि सनातन चल रहा है, लेकिन फैसले अगर गलत हो जाए तो ठेस लगती है कि हमारा समाज हमें ही क्यों ऐसा हुआ, बाकियों को क्यों नहीं होता। बाकी थले दे बड़े बड़े पीर बाबे थले दिखा से ऊपर पुल बनी है बड़े सोने, उन्हें बाहर कर दिया था। अगर कोई और जगह आई है तो भी ऐसा होया। एक बात जरूर थी, वो चाहे हमारी तरफ से रहेगी या आपकी तरफ से रहेगी, लेकिन आपकी तरफ से अगर रह जाती तो आज गिला करता, शायद हमारी तरफ से रहेगी कि अगर हम ये सारी व्यवस्था उन मंदिरों के अंदर जिनके आए हैं हम एक बार सभी के साथ बैठ जाते तब ये कुछ और रहता। जैसे हमारे जंगम बाबा जहां बैठे हैं इनका मंदिर आ गया, और मंदिर भी ऐसा आया कि बिल्कुल मूर्तियों के ऊपर से सारा आपका वो ये जो आपने किया है ये अपना इसको लाइन खींची है। अब सबसे ज्यादा मैं कहता हूं कि शान रोड़े के अंदर जितना एरिया आया है तो शायद मैं और कहीं इतना देखा नहीं मैंने कि जिधर इतना एरिया आया हो। तो उस वक्त कम्युनिकेशन गैप लगाओ या क्या रहा, ये रहा होगा। लेकिन मुझे एक यकीन भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठना, आज हम आपके साथ बैठ के जो चर्चा कर रहे हैं ये बात हमारी क्षेत्री को होनी थी कि हम क्षेत्री को पूरा संत समाज बैठेगा कि हमारे जो वयोवृद्ध संत हैं आज तक उनका आई कार्ड नहीं बना है, जो हमारे वयोवृद्ध संत हैं अगर बाकियों की पेंशन लगती है इनकी क्यों नहीं, अगर वहां पे मकान बाकियों के आते हैं हमारे क्यों नहीं। जब माइग्रेशन बॉर्डर से होती है तो ना देवता आता है ना पुजारी आता है ना संत आता है, वो गोलियों में रहता है, बाकी लोग माइग्रेशन करके आ जाते हैं। लेकिन दो टाइम की पूजा और विश्व का कल्याण मांगने वाला यही संत समाज। समिति के हमारे जितने भी गुरु मूर्तियां हैं और यहाँ पर जितना खरदर्शन संत समाज पधारे हुए हैं जिनके चरणों में ओम नमो नारायण। अभी अभी आपने देखा कि थोड़े परसों भी हम लोग यहाँ पर छन्नी के अंदर यहाँ एकत्रित हुए थे। हमारी बात दो थी, एक तो जो तहसीलदार साहब जिस व्यवहार से जिस परिभाषा से इस आश्रम के अंदर आके और यहाँ पर हमारे जूना अखाड़े के महामंत्री और इस आश्रम के वर्तमान गादीपति श्रीमंत मोहनगढ़ जी महाराज को जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया
इसके लिए माननीय हमारे आप परसों की बात है कि यहाँ पर रहे एसडीएम साहब भी यहाँ पर पहुंचे थे। हम लोगों की एक बात थी कि आप जी आएंगे। जिस दिन हम भी आपके पास डीसी दफ्तर कठुआ बैठे थे तो सबसे पहले डीसी साहब आपका बड़ा धन्यवाद और साधुवाद कि आप हम लोगों की बात सुनने के लिए पहुंचे। विषय एक ही है कि समाधि जैसी की है ऐसी ही रहेगी, समाधि नहीं हटेगी, चाहे इसके लिए हमको धरना देना पड़े चाहे इसके लिए प्रदर्शन करना पड़े। लखनपुर से लेके और कंजवाड़ी तक आप अपने पीर क्यों नहीं छुपाते? आज पीर बाबा को आप बचा रहे हो और हिंदुओं के मंदिर में बोलता हूं, अभी आप देखिए होशियारी मोड़ के अंदर दो समाधियां हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन हम लोग उस दिन भी आवाज उठाई कि वहां दो समाधियां हैं। उस दो समाधियां जब मैं जाता हूं, अभी बिल्कुल खुली कर दिया है होशियारी मोड़ मंदिर पर, वहां रोल आ रहा, आप वहां से शरीर उठाओगे, हाथ पिंजर उठाओगे, महात्मा का हड्डिया उठाओगे, ये कोई संविधान नहीं है। जिस दिन कोई बोलने कहे प्रशासन के अधिकारी हम समाधि खोलेंगे, मैं मजिस्ट्रेट जांच करवाऊंगा, फिर तो मजारा भी खोलो। अगर समाधियां खुलती है आपके संविधान में, क्योंकि भारतीय संविधान में जो व्यक्ति की कब्र बन जाती है समाधि बन जाती है, वो नहीं खुलती। मैं यहाँ पे हूँ, ये आप सबका ही आशीर्वाद है कि हम सब लोग जो है एक अच्छे प्रेम से अच्छे स्वास्थ्य के साथ कठुए में काम कर पा रहे हैं। ये आप सबकी दिन रात की जो आप यहाँ पे लगन से प्रमाण का नाम लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसी कारण है कि सब कुछ उस तरह से चलता है जिस प्रकृति एक भगवान चलाता है, वो उसी तभी चलाता है जब कोई वहाँ पे भी एक जो है पॉजिटिविटी भगवान तक पहुँचनी चाहिए कि जी वहाँ पे कोई ना कोई उनको याद कर रहा है, जो उन्होंने हमें दिया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी प्रकट कर रहे हैं, और वो आप सब लोग हमारी हर हम सब की तरफ से कर रहे हैं, और मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से। इसमें अभी हम लोग जैसा आपने बोला, हम लोग इसको बैठ के इसका कोई ना कोई बिल्कुल सही रास्ता हम लोग इसका निकाल के उसको कम्युनिकेट जरूर कर देंगे। इसमें कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाएगा जिसमें कि सबकी सहमति ना हो, तो वो करना कभी वो उचित भी नहीं होगा और वैसा किया भी नहीं जाएगा। तो आज ही हम कोशिश करेंगे, भोजन कर रहे होंगे तो हम लोग साथ में बैठ के सबकी बात सुन के इसको जो है डिसाइड करके कोई ना कोई इसका रास्ता जरूर निकाल देंगे, ताकि सड़क भी बन जाए, वो भी सड़क बननी भी जरूरी है, और किसी की भी धार्मिक भावना को, अब तो मेरी भी इसके साथ जुड़ी है, किसी की भी फीलिंग्स को हम कोई निराश ना करें, उसका सोल्यूशन को कभी इसका नहीं। मैं फिर से यही कहूँगा कि मेरे पे पता नहीं, आपने बोला शक्ल पे कुछ है, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या है, बट वैसा ही मेरा आप लोगों से भी प्यार है। मैं आपको जिस दिन मेरी आपसे बात हुई दो दिन पहले, तो आपने बोला कि 29 को बैठेंगे, मैंने बहुत अपना समझ के आपको बोला कि 30 को हो सकता है क्या? सो ये दोनों तरफ का है, आप सबसे मैं इतनी बार गिरी महाराज से उस दिन जब हम मिले ऑफिस में, तो ये दोनों तरफ का प्यार है। मैं आपको कहता हूँ जितना आदर सम्मान आपने आज मेरे को यहाँ पे दिया है, उतना ही आदर सम्मान मेरे दिल में आपके लिए, और ये मैं आपको अपनी पूरी टीम की तरफ से भी कहता हूँ कि उतना ही आदर सम्मान मेरी जितनी टीम है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो कठुआ का, जब तक मैं यहाँ पर हूँ उतना ही आदर सम्मान आपको मेरी पूरी की पूरी टीम से मिलेगा। मैं उस पूरी टीम के साथ एक बार बैठ के कोई भी जहाँ पे कमी पेशी है उसको ठीक जरूर किया जाएगा, और मैं ये आपको आश्वासन भी देता हूँ कि ये आदर सम्मान आपको जो दिल में नहीं, वो आदर सम्मान दिखेगा। तो इसी से मैं जो है अपनी बात को खत्म करूंगा। आप सब मैं आप इसका जो है आपको यहाँ पे मुझे बुलाने का एक मौका देने का, एक रास्ता निकालने का, और एक सबके साथ बैठ के सबकी बात सुन के सबकी बात समझ के इसका फैसला लेने का मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी सहनशीलता के साथ इतना पीसफुली इस बात को यहाँ पे रखा है, और इसका सोल्यूशन सबकी मर्जी से ही हम लोग जरूर निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद।